अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चटपटा और मज़ेदार पास्ता। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप यानी 180 ग्राम पास्ता, 4 खाने के चमचे तेल, 4 कटी हुई हरी मिर्चें, आधा खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 3/4 खाने का चमचा लाल मिर्च, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, 3 खाने के चमचे ग्रीन प्याज, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे उसका हमने पेस्ट बना लिया था, आधा खाने का चमचा और 1/4 खाने का चमचा नमक। टोटल 3/4 खाने का चमचा इस्तेमाल होगा पास्ते में। 2 चिकन क्यूब्स, आधा खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट, 1/4 खाने का चमचा चिली सॉस, 1/4 खाने का चमचा सिरका, आधा खाने का चमचा केचप, 1/4 खाने का चमचा सोया सॉस, आधा खाने का चमचा चिली गार्लिक सॉस, 1/4 खाने का चमचा ओरिगेनो। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली में हम पास्ता डालेंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल लेंगे। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। 1 खाने का चमचा तेल डालेंगे, 1/2 खाने का चमचा नमक डालेंगे। अब पास्ते को बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम पास्ते के लिए सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले हम 3 खाने के चमचे तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और जब तक फ्राई करेंगे जब तक लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। 30 सेकंड हो चुके हैं, लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याजों को लाइट सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए 3 टमाटर लिए थे और उसे हमने ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, केचप, चिली गार्लिक सॉस, ओरिगेनो। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक टमाटरों का पानी नहीं खुश्क हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें चिकन क्यूब्स डाल देंगे। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स के बगैर भी बना सकते हैं। चिकन क्यूब्स के बगैर भी बहुत मजे का बनता है। अब हम सॉस में 1/4 कप पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और पास्ता बॉईल हो चुका है। अगर आप पास्ता सॉस से थोड़ी देर पहले बॉईल कर लें तो पास्ते में ठंडा पानी डाल लीजिएगा। इससे पास्ता मजीद नहीं पकेगा और पास्ता फ्रेश रहेगा। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। अब हम सॉस में पास्ते को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन प्याज डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेंगे। पास्ता तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।